अरुणा शांडिक वाले केस के फैक्ट्स अपन देखते हैं, फिर उसकी यूथेनेशिया की कहानी देखते हैं कि इंडिया में यूथेनेशिया आया कहाँ से। यही वो रास्ता है जहाँ से यूथेनेशिया इच्छा मृत्यु ने इंडिया में अपना पहला कदम रखा। इसके पहले यूथेनेशिया के बारे में किसी ने कोई बात नहीं करी थी, ठीक है, यहाँ से वो आया है। इसमें ये हुआ था कि 1973 में एक लड़की थी अरुणा नाम की, ठीक है, वो मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में काम करती थी नर्स के तौर पर, ठीक है। जब एक दिन वो काम कर रही थी, उसके बाद अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद जब वो चेंजिंग रूम में कपड़े बदल रही थी, तब वहाँ के ही एक वार्ड बॉय ने उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया। रेप नहीं था वो, सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट किया, ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट किया। और उसकी, क्योंकि उसकी कुछ दिन पहले सगाई हुई ही थी, तो उसके गले में सोने की चेन, सोने की अंगूठी और जो जो भी चीज़ें थी अरुणा के शरीर पर, उसने क्या किया, सेक्सुअली असॉल्ट करते वक्त उसने इतना रेसिस्ट किया अरुणा ने कि उसने गुस्से में उसकी चेन, गले में जो चेन थी उसको बहुत जोर से खींचा, और वो खींचने की वजह से अरुणा की मृत्यु तो नहीं हुई पर यहाँ से ऑक्सीजन जाना बंद हो गया इधर, ठीक है। इसकी वजह से वो एक ऐसी स्टेट में आ गई जिसको हम वेजिटेटिव बोलते हैं, वेजिटेटिव स्टेट, मतलब जो सब्जियाँ नहीं रखी रहती है, बस रखी रहती है, जब तक काटोगे नहीं, बनाओगे नहीं, तब तक उनका कोई मूल्य नहीं है, ठीक है। ऐसी वेजिटेटिव स्टेट में आ गई वो, और वो उसके जो भी ऑर्नामेंट्स थे वो लेकर भाग गया। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो पकड़ा भी गया, उसको सज़ा भी हुई, पर उसको न तो रेप की सज़ा मिली ना ही सेक्सुअल असॉल्ट की, उस वार्ड बॉय को, उसको सज़ा मिली सिर्फ रॉबरी बस, ठीक है। चलो वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, फिर वापस इस पर आ जाते हैं, यहाँ तक ठीक है। अब वो ऐसी स्थिति में आ गई जो बहुत ही वेजिटेटिव कह सकते हैं, मतलब बहुत ही वैसे कि जीना और मरना एक समान था वो। हाँ, सुन सकती थी, जैसे अभी अगर मैं बोलूँगी तो वो सुन सकती है पर वो रिएक्ट नहीं कर सकती थी किसी भी चीज़ के लिए। ऐसी स्थिति में वो 42 ईयर्स तक रही, 42 ईयर्स तक इसी कंडीशन में रही, ठीक है। 42 ईयर्स के बाद उसकी डेथ हो गई। अब और थोड़ा सा वापस आगे आते हैं, जब 38 ईयर्स हो गए उसको ऐसे ही रहते रहते, है ना, इसी स्थिति में रहते रहते, जब उसको 38 ईयर्स हुए, तो एक जर्नलिस्ट थी मुंबई की, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर एक जर्नलिस्ट थी जो सोशल एक्टिविस्ट भी थी, उसको जब इसके बारे में पता चला, ऑब्वियस ही बात है कि उस समय भी जैसे आज अखबारों में आता है, सोशल मीडिया पे आ जाता है, तब भी अखबारों में चला होगा वो केस, ठीक है। जब उसको पता चला, वो आई, उसने उसकी स्थिति देखी और उसने फिर सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाई जहाँ से ये मामला आया, ठीक है। उसने PIL लगाई सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा कि वो 38 ईयर्स से ऐसी स्थिति में उसको जिंदा रखने का भी कोई सेंस नहीं बनता है, वो बहुत परेशानी में है, उसको अब इच्छा मृत्यु दे देना चाहिए, मतलब उसको अब मुक्ति दे देना चाहिए, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दो बातें कही इस मामले में, ये ध्यान रखना, दो बातें कही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने। पहली कि पहली बात ये कही कि ऐसे मामले में, ठीक है, ऐसे मामले में पिटीशन जो है, अब PIL अलाउड तो है इंडिया में, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि ये कोई नॉर्मल मामला नहीं है, आप किसी की मृत्यु मांग रहे हो, ये कोई नॉर्मल मामला नहीं है, इसलिए यहाँ पर पिटीशन जो है व्यक्ति की पेरेंट्स, ठीक है, नियर रिलेटिव्स या नेक्स्ट फ्रेंड यही लगा सकते हैं, कोई भी अनजान व्यक्ति नहीं, और वो इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आती थी, ना तो पेरेंट्स, ना ही नियर फ्रेंड या नेक्स्ट फ्रेंड, नियर रिलेटिव्स या नेक्स्ट फ्रेंड, वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आती थी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यह कहा कि नहीं, ऐसे मामले में कोई घर का व्यक्ति ही अगर लगाएगा तो ही हम इसको एंटरटेन करेंगे, ठीक है। अब इसके बाकी इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कहा उसके पहले अपन इसी को देखते हैं। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो तो इसी किसी भी कैटेगरी में नहीं आती है, और अरुणा जो है उसका ध्यान कोई और नहीं रखता था, उसके घर वाले उसका ध्यान रखते थे, वहीं का मेडिकल स्टाफ, वहीं का मैनेजमेंट, वो किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल जो है उसी का स्टाफ उसकी उसका पूरा देख रेख करता था, 38 ईयर से कर रहा था, ध्यान रख रहा था। तब सुप्रीम कोर्ट को जब पता चला कि ये उसका ध्यान रख रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, उसके घर वाले तो चलो नहीं हैं, लेकिन अगर वहाँ का स्टाफ भी अगर हामी भर देता है, कंसेंट दे देता है, तो हम उनको नेक्स्ट फ्रेंड की कैटेगरी में मान लेंगे, और अगर वो पिटीशन फाइल करते हैं तो हम बिल्कुल अलाउ करेंगे।
हम एंटरटेन करेंगे, हम कॉग्निजेंस लेंगे और इसको बिल्कुल एंटरटेन करेंगे। अगर वो लोग हाँ कह देते हैं तो, क्योंकि वो नेक्स्ट फ्रेंड की कैटेगरी में आ जाएंगे, वही 38 ईयर से उसका ध्यान रख रहे थे। लेकिन वहाँ के मैनेजमेंट ने कंसेंट देने से मना कर दिया और अरुणा की मृत्यु जॉइंडिस से हुई। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है, हम उसको तो अलाउड ही कर सकते क्योंकि कंसेंट नहीं मिली है हमको, लेकिन उन्होंने कॉग्निजेंस तो ले लिया इस पिटीशन पे ही, उसको भले नहीं देंगे क्योंकि वो उनके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हो गया, जब तक कंसेंट नहीं मिलेगी तब तक उसको यूथेनेशिया तो नहीं दे सकते, लेकिन इस पिटीशन पर कॉग्निजेंस लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी। ठीक है, यूथेनेशिया के ऊपर कुछ गाइडलाइंस दी, जैसे विशाखा के मामले में दी थी, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में कैसे गाइडलाइंस दी थी ना, याद है? सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस, याद होगा है ना, उसमें जो गाइडलाइंस आई थी वैसे ही इसमें भी कुछ गाइडलाइंस दी। तो गाइडलाइंस में ये कहा, सबसे पहले वही पेरेंट्स, नियर रिलेटिव्स या नेक्स्ट फ्रेंड, इनमें से कोई अगर पिटीशन फाइल करता है तो हम उसको एंटरटेन करेंगे, एक बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कही कि हम एक डॉक्टर्स की टीम बैठाएंगे, हम एक पूरी डॉक्टर्स की टीम जो है उस व्यक्ति के पास पहुंचाएंगे, उसको पूरा चेक करवाएंगे और ये जब तक हम श्योर नहीं हो जाते कि उसके ठीक होने के, उसके रिकवरी के बिल्कुल चांसेस नहीं है, उसके रिकवरी के अगर जीरो चांसेस हैं तो ही यूथेनेशिया इंडिया में अलाउ होगा, तो ही, जीरो चांसेस है मतलब अगर उसकी रिकवरी का कोई भी चांस है तो उसको रिकवर होने दो, वो 10 साल, 4 साल, 8 साल, 12 साल, 15 साल कभी भी हो सकता है, अगर उसकी रिकवरी के जीरो चांसेस हैं तो ही। तीसरा, वही जो हमको अब तक पता था कि इंडिया में एक्टिव को तो मना कर दिया कि एक्टिव यूथेनेशिया तो हम अलाउ नहीं कर सकते, इंडिया जैसी कंट्री में हम तो अलाउ नहीं करेंगे, हम अलाउ कर सकते हैं सिर्फ पैसे। ठीक है, आप अगर ये कहो कि जहर का इंजेक्शन दे के हम किसी व्यक्ति को मार डाले तो नहीं, ये अब भी मर्डर की कैटेगरी में आएगा, यहाँ अलाउ नहीं किया इंडिया ने, क्या अलाउ किया, पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ कर दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, पैसिव यूथेनेशिया अलाउ हो गया है, ये सारा उसका सिनेरियो था, उसके पीछे की कहानी थी कि कैसे इच्छा मृत्यु का कंसेप्ट भारत में आया, कैसे आया, जिस लड़की के थ्रू आया है उसको तो मिली नहीं इच्छा मृत्यु, पर कम से कम शुरुआत तो होगी है ना। चलो, सुसाइड में मना कर दिया, लेकिन यहाँ कहा गया यूथेनेशिया को अगर देखें तो हाँ अलाउड है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस लगा दी है, वही व्यक्ति की मेडिकल हेल्थ, मेडिकल कंडीशन ऐसी होना चाहिए कि 0% रिकवरी के चांस हो, दूसरा ऐसा वो बहुत लंबे समय से रह रहा हो, ऐसा नहीं कि एक साल वो रह लिया उसके कोई रिकवरी के चांस नजर नहीं आ रहे तो चलो इच्छा मृत्यु, नहीं, बहुत लंबे समय तक ऐसा रहा हो, जैसे वो 38 ईयर्स तक रही उसके बाद पिटीशन लगाई गई, ऐसे कुछ लंबे समय तक, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतने साल तक ही होना चाहिए, पर एटलीस्ट थोड़ा लंबा समय हो और लगे कि रिकवरी के चांस जीरो हैं, फिर सिर्फ पैसिव ही अलाउड है, पैसिव ही अलाउड है और ऐसे ही अलाउड नहीं है, कंसेंट होना उसमें भी, ऐसे नहीं आप किसी को मार सकते। ठीक है, तो मरने का अधिकार तो दिया लेकिन सशर्त, इसको ओवर रूल नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये जो अपने दिमाग में ना फिट कर लेना, अभी तक यही स्थिति है इंडिया में, राइट टू डाई इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, तो अभी भी ये थोड़ी सी वैसे क्वेश्चन मार्क वाली स्थिति में ही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से चले, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चले तो बिल्कुल है, एक हद तक अलाउड है, अदरवाइज हम लॉ, कोडिफाइड लॉ के हिसाब से चले तो अभी भी इंडिया में राइट टू डाई अलाउड नहीं है। समझ में आया होगा जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, मैंने काफ़ी हद तक क्लियर भी कर दिया होगा। ठीक है, मुझे बताना कमेंट करके कि कैसा लगा, अब मुझे आप लोग बताओ कि आप किस टॉपिक पर बात करना चाहते हो, किस टॉपिक पर चाहते हो कि मैं एक सेशन लूँ। ठीक है, चलो बाय।